बात हुई है डॉक्टर सुभाष चंद्रा की अखिलेश यादव से, क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज तकरीबन 12 बजे मीडिया को ये इत्तला दिया गया कि सुभाष चंद्रा जो है वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो उनके साथ जो बात करें तो मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह और आलोक रंजन जो कि मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, और सुभाष चंद्रा के साथ साथ जितने भी ब्यूरोक्रैट आला अधिकारी जो ब्यूरोक्रैट हैं वो मौजूद थे, अनीता सिंह, नौनी साइकिल, वो तमाम लोग मौजूद थे। वहीं पर अखिलेश यादव ने ये चीज कहते हुए कहा कि सुभाष चंद्रा जी का उत्तर प्रदेश में स्वागत है और हम उनके लिए उन तमाम चीजों को रखेंगे, उनके बिजनेस के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि जो उनके अलग अलग कारगर पे साबित हो हम तमाम उनको वो सुविधा देंगे। वहीं पर सुभाष चंद्रा ने भी अखिलेश यादव का स्वागत किया और अखिलेश यादव से बोला कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो पिछले टर्म में हमने 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की थी, जिसमें तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का हमने निवेश तुरंत ही कर दिया था। अब एक हफ्ते के अंदर जो है वो 8500 करोड़ रुपए का हम निवेश करें निर्माण को लेकर और सौर ऊर्जा को लेकर, उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम उत्तर प्रदेश में आएंगे और हमारी कंपनी जो है उसमें काम करेगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जितना सहयोग हो सकेगा हम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी का पूरा सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया मुजाहिद इस तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की सीएम अखिलेश से मुलाकात और कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि कुछ अपना निवेश उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सुभाष चंद्रा कर सकते हैं, जिसके लिए सीएम ने भी उनको पूरी तरीके से आश्वस्त कराया कि हर सुविधा मुहैया कराएंगे वो। तो फिलहाल जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार सुभाष चंद्रा की मुलाकात की, तो अखिलेश यादव ने सुभाष चंद्रा से मुलाकात की, जैसा कि मुजाहिद ने भी बताया, हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि सुभाष चंद्रा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में